नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। एक तरफ बीजेपी पार्टी देश की धरोहरों को लेकर लगातार अलग अलग बयान देती है, एक तरफ बीजेपी पार्टी देश के लौह पुरुष कहे जाने वाले वल्लभ भाई पटेल के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चा करके स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी स्टैचू होती है। लेकिन एक तरफ उसी स्टैचू को, उसी मूर्ति को उज्जैन में तोड़ा जाता है। बता दें कि उज्जैन की सियासत पर बड़ा नाम रखने वाले और अब देश की सियासत पर भी बड़ा नाम रखने वाले मोहन यादव की सरकार मध्य प्रदेश में, और ऐसे में मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर से ही ऐसी खबर आती नजर आ रही जिसके बाद लगातार बीजेपी पर सवाल उठते खड़े हो रहे हैं। देखा जा रहा है कि उज्जैन के एक इलाके पर यहाँ पर लौह पुरुष की मूर्ति के ऊपर हमले किए जा रहे हैं, ट्रैक्टर चढ़ाया जा रहा है, ट्रैक्टर से तोड़ा जा रहा है, लाठी डंडे पत्थर बरसाया जा रहा है और मूर्ति को तोड़ा जा रहा है, और उसके बाद मोहन यादव की सरकार उस पर एक्शन नहीं लेती। बता दें कि उज्जैन के एक गांव में यहां पर लोगों की समस्या थी कि वहां पर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति बनाई जाए, लौह पुरुष की नहीं, लेकिन वहां पर लौह पुरुष की प्रतिमा मौजूद थी, और ऐसे में जो देश के वहां के लोग थे वो पूरी तरह से भड़क गए। कहा जा रहा था कि यह मामला काफी दिनों से चल रहा था और इसको लेकर FIR भी दर्ज की गई थी, लेकिन संज्ञान न लेते हुए आखिरकार लोगों ने मूर्ति पर हमला कर ही दिया, और इस कदर हमला किया कि देखने वालों के होश उड़ गए कि ये वही लौह पुरुष है, वही इतिहास के महान वीर है जिन्होंने देश की आजादी के लिए, देश के लिए क्या कुछ नहीं किया, आंखों पर लोहा तक ले लिया, उसके बाद इनकी मूर्ति पर इस तरह के दुराचार व्यवहार किए जा रहे हैं। वो वीडियो देखिए आप जरा, जिस पर ये सारी घटना होती हुई नजर आ रही है। मूर्ति घंटे तो ये नहीं होते आपने। तो दर्शकों, एक प्रकार से बीजेपी पार्टी धरोहरों को लेकर बयान देती है, और एक तरफ इस तरह की बयान रोज देखने को मिलते हैं। एक तरफ बीजेपी पार्टी इसके लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दुनिया की सबसे बड़ी यूनिटी बनवाती है, और एक तरफ एक छोटे से गांव में ही वो यूनिटी को लोग पत्थर मारकर, ट्रैक्टर मारकर तोड़ देते हैं। इस पूरे मुद्दे पर मोहन यादव सरकार पर लगातार हमले जारी। देखा यह भी गया कि उस वक्त पुलिस मौजूद थी, लेकिन पुलिस के कंट्रोल से बाहर थी वो जनता, और वहां पर न सिर्फ बच्चे, न सिर्फ महिलाएं, बल्कि युवतियां, नवयुवक, पुरुष, बुजुर्ग सब मौजूद थे जो उस यूनिटी को, उस प्रतिमा को तोड़ रहे थे। कुछ पत्थर बरसा रहे थे तो कुछ डंडे, कुछ ट्रैक्टर से उसको उखाड़ कर फेंकने की कोशिश कर रहे थे। तो इसको देखना होगा कि मोहन यादव की सरकार जो ये दावा करती है
कि वो जनता के लिए काम करती है। मोहन यादव की सरकार जो दावा करती है कि वो देश के हर हित के लिए काम करती है, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया। या तो उन लोगों की बात सुननी चाहिए थी और ये गंदी घटना होने से पहले या खराब घटना होने से पहले उनकी मूर्ति को कहीं और स्थापित कर देना चाहिए था, या फिर मोहन यादव को उस पूरे मामले पर संज्ञान लेकर कोई कार्यवाही करनी चाहिए थी। लेकिन मोहन यादव के संज्ञान न लेने से ये घटना देखने को मिली, और वाकई ये काफी निंदनीय घटना और चिंतनीय घटना भी है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के लिए इतना कुछ करते हैं, यूनिटी बनाते हैं, हजारों करोड़ रुपए खर्चा करते हैं, लेकिन वही एक गांव में उनकी प्रतिमा सुरक्षित नहीं है और देश के इतने महापुरुष की प्रतिमा पर इस तरह के हंगामे किए जाते हैं। लिहाजा कहा जा रहा है कि पुलिस ने इसमें संज्ञान ले लिया है, FIR दर्ज किया और संदिग्ध लोग जो उस पर शामिल थे, जिन्होंने पथराव शुरू किया, उनको लेकर मामला दर्ज है और लगातार उनकी कार्यवाही की जाएगी और जो भी इस पर दोषी हैं उनको सजा दी जाएगी। लेकिन लगातार सवाल ये उठते हैं, क्या मोहन यादव की सरकार अब भूल चुकी है कि देश की जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है? क्या प्रतिमाओं को लेकर सिर्फ पैसा खर्चा करना जानती है बीजेपी सरकार, उनकी सुरक्षा करना नहीं जानती? इस पूरे मुद्दे पर दर्शकों आप अपनी क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।